भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर आप सभी छत्तीसगढ़ वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सुराजी तिहार के पावन बेरा में जम्मू सियान दाई दीदी संगवारी और नोनी बाबू मल्ल गाड़ा गाड़ा बधाई जय जोहार। आजाद भारत के अमृत महोत्सव के मायने और मूल्यों को समझने के लिए हमें 2 शताब्दियों की गुलामी को याद करना होगा। हमारे पुरखों ने अपनी जान दांव पर लगाकर फिरंगी सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया था। उनका त्याग और बलिदान देश की भावी पीढ़ियों का जीवन खुशहाल बनाने के लिए था। हमारा कर्तव्य है कि उनके सपनों को साकार करें और उनके स्मृतियों को चिरस्थायी बनाएं। अमर शहीदों गायन सिंह, वीर नारायण सिंह, मंगल पांडे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई लोधी जैसे हजारों विभूतियों की शहादत हमें देश के लिए सर्वोच्च बलिदान की प्रेरणा देती रहेगी। स्वतंत्रता संग्राम और आजाद भारत को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बाल पाल, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसी विभूतियों ने राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व दिया था। वहीं वीर गुंडाधुर, पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, डॉक्टर खूबचंद बघेल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव, क्रांति कुमार, बैरिस्टर छेदीलाल, लोचन प्रसाद पांडे, यति यतनलाल, डॉक्टर राधाबाई, पंडित वामर राव लाखे, पंडित महंत लक्ष्मी नारायण दास, अनंत राम बरछिया, मौलाना अब्दुल रऊफ खान, हनुमान सिंह, रोहिणी बाई परगनिया, केकती बाई बघेल, श्रीमती बेलाबाई, इंद्रू केवट, उदयराम वर्मा, खिलावन सिंह बघेल, घसिया मंडल जैसे अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की थी। मैं इन सभी को सादर नमन करता हूँ। देश की एकता और अखंडता, संविधान व लोकतंत्र के प्रति आस्था को बचाए रखना एक चुनौती थी और इसके लिए हमारे देश की सेनाओं व सुरक्षा बलों के जवानों ने शहादत दी है। मैं उन अमर शहीदों को भी सादर नमन करता हूँ। इस अवसर पर मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आखिरी वसीयतनामे का उल्लेख करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था, भारत ने राजनीतिक स्वतंत्रता तो प्राप्त कर ली है, लेकिन उसे अभी शहरों और कस्बों से भिन्न अपने 7 लाख गांव के लिए सामाजिक, आर्थिक और नैतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना बाकी है। आज देश के सामने अनेक चुनौतियां हैं। कृषि व वन भूमि का कम होना, पर्यावरण संतुलन, प्रदूषण, बीमारियों, महंगाई, बेरोजगारी आदि से लोगों का जीवन संकटमय हुआ है। हमने पुरखों की सीख और माटी की संस्कृति का सम्मान करते हुए कृषि तथा वन उत्पादों, परंपरागत ज्ञान, आधुनिक साधनों व रणनीतियों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का रास्ता चुना। मुझे गर्व है, हम आज़ादी के
75वीं सालगिरह के अवसर पर देश और दुनिया के सामने बापू के सिद्धांतों और विचारों के अनुरूप कार्य करने में सफल हुए हैं। इसमें प्रकृति सम्मत विकास, हर व्यक्ति को गरिमा, न्याय व बराबरी के अवसर देने वाली योजनाएं और कार्यक्रम शामिल है। हमने न्याय योजनाओं की जो पहल की थी उसे निरंतर आगे बढ़ाने की के लिए संकल्पबद्ध हैं। यही वजह है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना अब तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है और इससे लगभग 13,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों को दी जा चुकी है। इस तरह एक सीजन में किसानों को प्रति एकड़ 9,000 रुपए की आदान सहायता देने वाला देश का पहला राज्य हमारा छत्तीसगढ़ है। गोधन न्याय योजना भी तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। इसके अंतर्गत अब तक गोबर विक्रेताओं, गौठान समितियों व स्वसहायता समूहों को 312 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। देश में रासायनिक खाद की कमी और मूल्य वृद्धि के परिदृश्य में हमारे गौठान में निर्मित जैविक खाद अब एक बेहतर विकल्प बन रही है। किसानों की सिंचाई कर माफी की पहल में भी विस्तार किया गया है और 17 लाख से अधिक किसानों के 342 करोड़ रुपए की राशि माफी की जा चुकी है। किसानों को 4 वर्ष पहले मात्र 3692 करोड़ रुपए कृषि ऋण के रूप में प्राप्त हुआ था। हमने इस वर्ष लक्ष्य बढ़ाकर 6500 करोड़ रुपया कर दिया है, जिससे लगभग 75% अधिक राशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में कृषि क्षेत्र में आएगी। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना अपने दूसरे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है और इसके तहत अब तक पात्र हितग्राहियों को 213 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। मैंने घोषणा की थी 31 जनवरी 2021 तक लंबित सभी कृषि पंपों को ऊर्जीकृत करके कार्य शीघ्र पूरा कर दिया जाएगा और मुझे कहते हुए खुशी है कि हमने 35,151 कृषि पंपों को ऊर्जीकृत करते हुए एक नया कीर्तिमान बना लिया है। अब 20,550 नए पंप कनेक्शनों का कार्य 31 मार्च 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। हमने खेती को लाभ का जरिया बनाने का वादा भी निभाया है। लगातार बढ़ते हुए इस वर्ष धान खरीदी 98 लाख मीट्रिक टन के सर्वोच्च शिखर पर पहुंची है, जो 4 वर्ष पूर्व मात्र 57 लाख मीट्रिक टन थी। धान बेचने वाले किसानों की संख्या भी अब बढ़कर 21,77,000 से अधिक हो गई है, जो पहले मात्र 12,06,000 थी। इस तरह हमारे प्रयासों से धान बेचने वाले किसानों की संख्या 9,71,000 बढ़ी है। प्रदेश में धान के अलावा अन्य अनाजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी अनेक उपाय किए गए हैं, जिसके कारण अनाज उत्पादन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ न सिर्फ स्वावलंबी हुआ है बल्कि प्रदेश में कुल आवश्यकता का 270% अधिक अनाज उत्पादन हुआ है। फसल विविधीकरण की गति बढ़ाने के लिए टी काफी बोर्ड का गठन किया गया है। दलहन तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने बहुत से कदम उठाए हैं। इस वर्ष से दलहन फसलों की खरीदी भी समर्थन मूल्य पर की जाएगी। खरीफ 2021 में धान के बदले 17,539 एकड़ क्षेत्र में दलहन तिलहन एवं 240 एकड़ में वृक्षारोपण किया गया है। रबी 2021-22 में ग्रीष्मकालीन धान का रकबा 95,000 हेक्टर कम करते हुए 42,000 हेक्टर क्षेत्र में मक्का एवं शेष रकबे में दलहन तिलहन साग सब्जी की फसलें लगाई गई है। खरीफ 2022 में धान के 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को दलहन तिलहन एवं अन्य उद्यान की फसलों से प्रतिस्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में लघु धान्य फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन का गठन किया गया है। कोदो कुटकी रागी का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर
इसकी खरीदी करने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। सुराजी गांव योजना अत्यंत महत्वाकांक्षी पहल है, जिससे छत्तीसगढ़ को स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने, भूजल संरक्षण व रिचार्जिंग को बढ़ाने और कृषि भूमि को जहरीले रसायनों से मुक्त दिलाते हुए जैविक खेती में मदद मिल रही है। नरवा योजना से विभिन्न नालों में 99 लाख से अधिक संरचनाओं का निर्माण किया गया है, जिससे उपचारी क्षेत्र में भूजल स्तर में 30% तक की वृद्धि हुई है। वहीं नालों में पानी की उपलब्धता भी 2 माह से अधिक रहने लगी है। गरवा योजना में पहले हमने गौठानों के विकास पर जोर दिया, अब तक 8,408 गौठानों को विकसित किया जा चुका है, जो रोका छेका अभियान के साथ आर्थिक सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र बने हैं। गोबर से बिजली बनाने के लिए भी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ प्रौद्योगिकी साझा करने हेतु MOU किया गया है। गोबर से ऑयल पेंट तथा अन्य उत्पाद बनाने की दिशा में भी बहुआयामी पहल की जा चुकी है। गौठानों को आजीविका केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु हम ग्रामीण आजीविका पार्क अर्थात रूरल इंडस्ट्रियल पार्क प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए आजीविका के माध्यम से अतिरिक्त आय के साधन बनाना है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2022 के अवसर पर इसका शुभारंभ किया जाएगा और प्रथम वर्ष में 300 ऐसे पार्क स्थापित कर दिए जाएंगे। अब एक कदम और आगे बढ़ाते हुए हमने 4 रुपये प्रति लीटर की दर से गौमूत्र खरीदी की योजना भी शुरू कर दी है, जो रासायनिक पेस्टिसाइड के मुकाबले एक बेहतर विकल्प है। बड़ी योजना अंतर्गत प्रति गौठान 1 से 1.5 एकड़ तक भूमि चिन्हांकित की गई है और अभी तक 3 लाख से अधिक बाड़ियां विकसित की जा चुकी हैं। राज्य के बम्पर धान उत्पादन को किसानों की शक्ति बनाने के लिए हमने राज्य की जरूरतें पूरे होने के बाद शेष धान से बायोथनाल के उत्पादन की योजना बनाई है और 27 नियोजकों के साथ MOU भी किया गया है। विकास खंडों में फूड पार्क बनाने की योजना के तहत अभी तक 112 स्थानों पर भूमि चिन्हित की जा चुकी है और इसमें से 52 विकास खंडों में लगभग 621 हेक्टेयर भूमि का हस्तांतरण उद्योग विभाग को कर दिया गया है। परंपरागत कौशल के वैल्यू एडिशन के लिए हमने सी मार्ट की स्थापना का वादा भी निभाया है। इससे बुनकरों, कारीगरों, शिल्पकारों तथा स्व सहायता समूह के स्थानीय उत्पादों की बिक्री हेतु उचित बाजार मिलेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को हम ग्रामीण अंचलों में मजदूरी से जीवन यापन करने वाले परिवारों के जीवन रेखा मानते हैं। मुझे खुशी है कि वर्ष 2021-22 में हमने लेबर बजट के विरुद्ध मांग के आधार पर लक्ष्य से 108% तक अधिक मानव दिवस रोजगार सृजित किए। मनरेगा से हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर निर्मित करने का लक्ष्य था, हमने उसे अधिक 2,709 अमृत सरोवर निर्मित किए हैं। गौठानों के निकट मछली पालन के लिए 1,859 तालाब स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 1,318 पूर्ण कर लिए गए हैं। मैंने मनरेगा को शहरी क्षेत्र के लिए भी लागू करने का अनुरोध भारत सरकार से किया है। हमने श्रमिकों को न्याय दिलाने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना का लाभ 3,000 से अधिक हितग्राहियों को, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक निःशुल्क कार्ड योजना का लाभ 88,000 से अधिक हितग्राहियों को मिला है। मुख्यमंत्री सियान श्रमिक योजना के तहत निर्माण श्रमिकों को पात्रता अनुसार 10,000 रुपये, श्रम कल्याण मंडल में पंजीकृत श्रमिक परिवारों के बच्चों को शैक्षणिक छात्रवृत्ति के रूप में 30,000 रुपये तक राशि, मेघावी शिक्षा पुरस्कार योजना के तहत 1,00,000 रुपये तक की राशि, खेल कूद प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 1,50,000 रुपये तक की राशि देने का प्रावधान किया गया है। पूर्व में आम जनता के साथ ठगी करने वाले चिटफंड कंपनियों के खिलाफ हमने ठोस कार्रवाई करते हुए
622 पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया है। माननीय न्यायालयों द्वारा लगभग 56 करोड़ रुपए की संपत्ति की नीलामी का आदेश दिए जा चुके हैं, जिसमें से 32 करोड़ रुपए की राशि नीलामी से प्राप्त हुई और 28,000 से अधिक निवेशकों को लगभग 18 करोड़ रुपए लौटाए जा चुके हैं। नीलामी से प्राप्त शेष राशि भी निवेशकों को लौटाने का कार्य प्रगति पर है। ऐसे अन्य कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई भी जारी है। आदिवासियों को विभिन्न तरीकों से न्याय देने के उपाय किए गए हैं। अदालतों में लंबित विभिन्न प्रकार के 1,275 प्रकरण वापस होने से उनके सम्मानजनक रिहाई तथा घर वापसी हुई है। निरस्त वन अधिकार दावों की समीक्षा करते हुए ऐसे मामलों में आदिवासियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों को उनके काबिज भूमि के अधिकार देने का वादा हमने निभाया है। अनुसूचित जनजाति तथा परंपरागत वन निवासियों को अभी तक 5,03,993 व्यक्तिगत, सामुदायिक तथा वन संसाधन अधिकार पत्र दिए जा चुके हैं, जिसके तहत 38,85,900 हेक्टर भूमि की अधिमान्यता पत्र वितरित किए गए हैं। हमने तेंदुपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 2,500 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4,000 रुपये किए। पूर्व में सिर्फ 7 लघुन उपजों के समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही थी, हमने 65 लघुन उपजों के समर्थन मूल्य पर खरीदी प्रारंभ की है। विगत 3 वर्षों में देश में समर्थन मूल्य पर हुई कुल लघुन उपज खरीदी का 75% हिस्सा छत्तीसगढ़ में क्रय किया गया, जो एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है। इसे वनाश्रित परिवारों को करोड़ों रुपए के अतिरिक्त आय प्राप्त हुई है। आदिवासी संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु देवगुड़ी व गोटुल स्थलों का पुनरुद्धार किया जा रहा है। नक्सली गतिविधियों से बाधित और बंद हुई 260 शालाओं का संचालन पुनः प्रारंभ किया गया है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के 9,623 युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा भी मैंने की है, जिसे शीघ्र पूरा किया जाएगा। मुझे कहते हुए खुशी है कि हमने आदिवासियों के हित में वर्षों से लंबित पेशा अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाने का काम पूरा कर इसे लागू कर दिया गया है, जिससे ग्राम सभाओं की शक्ति और बढ़ेगी और उन्हें जल जंगल जमीन के बारे में खुद फैसला लेने का अधिकार होगा। मेरा मानना है कि हमारे पुरखों ने देश को आज़ाद कराने की जो अवधारणा विकसित की थी वह बहुत व्यापक थी। उसमें सबसे प्रमुख तत्व न्याय दिलाना ही था, इसलिए हमने आर्थिक सामाजिक क्षेत्रों के साथ ऐसे हर उपाय किए हैं जिससे समाज के हर वर्ग को गरिमा के साथ जीने का अवसर मिले, उनके विकास के बंद रास्ते खुलें, जटिल न्याय प्रक्रियाओं के बंधन समाप्त हो, हर क्षेत्र में सुधार हो, जनता के संविधान सम्मत अधिकारों और सुविधाओं में निरंतर वृद्धि हो। शिक्षा के क्षेत्र में हमने सुधार के स्थायी उपाय किए हैं, जिसके तहत पहले चरण में 14,000 से अधिक शिक्षकों की स्थायी भर्ती का कार्य शुरू किया गया, जो अंतिम चरण में है। इसके अतिरिक्त 10,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना से स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति आई है। विगत वर्ष हमने 51 स्कूलों से यह योजना प्रारंभ की थी, जो अब बढ़कर 279 स्कूलों तक पहुंच चुकी है। इसमें से 32 स्कूल हिंदी माध्यम के हैं और 247 स्कूलों में हिंदी के साथ अंग्रेजी माध्यम में भी शिक्षा दी जा रही है। इस वर्ष 2,52,600 बच्चों ने इन स्कूलों में प्रवेश लिया है, जिसमें 1,03,000 बच्चे अंग्रेजी माध्यम तथा 1,49,600 बच्चे हिंदी माध्यम के हैं। इस योजना की सफलता को देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि अधिक से अधिक स्कूलों को इस योजना के अंतर्गत लाया जाएगा। आगामी शिक्षा सत्र के पूर्व 422 स्कूलों में यह योजना लागू होगी, जिनमें से 252 स्कूल बस्तर एवं सरगुजा संभाग में होंगे और इनमें दंतेवाड़ा जिले के 100% शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल होंगे। अपना वादा निभाते हुए हमने नया रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बोर्डिंग स्कूल स्थापित करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए
हमने हिंदी के अलावा 16 स्थानीय भाषाओं में तथा 4 पड़ोसी राज्यों के भाषाओं में पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित कराई है। निःशुल्क पाठ्यपुस्तक योजना के तहत कक्षा 1 से कक्षा 10 तक सभी शासकीय अशासकीय शालाओं तथा कक्षा 8 तक मदरसों के बच्चों को लगभग 52 लाख पाठ्यपुस्तकें प्रदान की जा रही है। 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले 1,55,000 छात्राओं को इस वर्ष निःशुल्क साइकिल देने का लक्ष्य रखा गया है। स्कूली शिक्षा को रोजगार मूलक बनाने के लिए उसका ITI के साथ समन्वय किया गया है, ताकि स्कूली शिक्षा और ITI प्रशिक्षित होने का प्रमाण पत्र एक साथ प्राप्त हो सके। इस योजना के तहत 114 हायर सेकेंडरी स्कूलों को जोड़ा जा चुका है। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए 1,459 सहायक प्राध्यापकों, क्रीड़ा अधिकारियों और ग्रंथपालों की नियुक्ति की गई है। अतिथि व्याख्याताओं का मानदेय बढ़ाया गया है। सभी जिलों में कन्या महाविद्यालय खोलने के क्रम में मुंगेली में नया कन्या महाविद्यालय प्रारंभ कर दिया गया है। दुर्गम वन अंचलों में PPP मॉडल पर महाविद्यालय खोलने, उत्कृष्ट शासकीय महाविद्यालयों में मुक्त दूरवर्ती शिक्षा केंद्र की स्थापना, स्नातक स्तर पर 4 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम, बस्तर विश्वविद्यालय में आदिवासी लोक नृत्य एवं संगीत पर सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ करने की पहल जैसे उपायों से उच्च शिक्षा का दायरा बढ़ाया जा रहा है, जिससे युवाओं को पढ़ाई पूरा करने के साथ बेहतर रोजगार के अवसर मिलेंगे। हमने युवाओं को सकारात्मक और रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ाने के लिए 6,518 से अधिक राजीव युवा मितान क्लब प्रारंभ कर दिए हैं, जिसका विस्तार सभी पंचायतों तथा नगरीय निकायों में किया जाएगा। राज्य की बेरोजगारी दर लगातार देश में न्यूनतम स्तर पर बनी हुई है, जो हमारी युवा कल्याण और रोजगार परक योजनाओं की सफलता का प्रमाण है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक द्वारा जारी किए आंकड़ों के अनुसार जुलाई में राज्य की बेरोजगारी दर मात्र 0.8% रही, जबकि देश के औसत बेरोजगारी दर 6.9% दर्ज की गई है। मैंने 26 जनवरी 2022 को शासकीय कार्यालयों में 5 कार्य दिवस प्रति सप्ताह प्रणाली लागू करने की घोषणा की थी, जिसे तत्काल पूरा कर दिया गया है, जिससे हमारे कर्मचारी साथी अधिक ऊर्जा और उत्साह के साथ कार्य करने में सक्षम हुए हैं। इसी प्रकार हमने राज्य के शासकीय कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों के भविष्य की चिंता करते हुए उनकी लंबित मांग पूरी की और 1 नवंबर 2004 अथवा उसके पश्चात नियुक्त शासकीय कर्मचारियों के लिए नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है। हमने स्वास्थ्य सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए अनेक योजनाएं लागू की है। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, निःशुल्क डायलिसिस कार्यक्रम, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री दाई दीदी क्लिनिक योजना, दीर्घायु वार्ड योजना के अंतर्गत 83 लाख से अधिक लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिला है। प्रदेश को मलेरिया मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान से 6 चरणों में मलेरिया की दर में 4.6% से घटकर 0.21% हो गई है। उच्च गुणवत्ता की जेनरिक दवाइयां तथा सर्जिकल सामान 51 से 52% तक छूट देने पर हमने श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में 184 दुकानें प्रारंभ कर दी है। जेनरिक दवाइयों के विक्रय से अब तक 19 लाख लोगों को 35 करोड़ रुपए की बचत हुई है। रियायती दर पर पैथोलॉजी जांच की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में 10 जिलों व 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में हमर लैब प्रारंभ कर दिए गए हैं। विगत वर्ष प्रदेश में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करने के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध हमने 116% उपलब्धि हासिल की है और 4,512 ऐसे सेंटर स्थापित किए हैं, जिसके कारण छत्तीसगढ़ को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। TB मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
जगदलपुर व बिलासपुर में मल्टी सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय, बिलासपुर में राज्य कैंसर संस्थान, कोरबा कांकेर तथा महासमुंद में नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना हेतु राज्य शासन द्वारा समुचित बजट प्रावधान किया गया है। नवा रायपुर में भी अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना हेतु 25 एकड़ जमीन चिन्हांकित कर दी गई है। कोरोना से बचाव के लिए टीके लगाने का काम हम काफ़ी तेजी से कर रहे हैं। अभी तक कुल 4,44,75,000 टीके लगाए जा चुके हैं। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग कोरोना से बचाव के लिए पात्रता अनुसार टीका लगवाएं। वर्तमान में जो निःशुल्क बूस्टर डोज की सुविधा उपलब्ध है उसका पूरा लाभ भी बड़ी संख्या में उठाएं। हमने प्रदेश में सार्वभौम पीडीएस व्यवस्था लागू करने का वादा निभाया है। इस योजना के तहत हितग्राहियों की संख्या 2,60,00,000 हो गई है, जो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 100% कवरेज है। आयरन फॉलिक एसिड युक्त फोर्टिफाइड चावल का वितरण 10 आकांक्षी जिलों के साथ कबीरधाम व रायगढ़ जिलों में भी मध्यान्ह भोजन व पूरक पोषण आहार योजना के तहत किया जा रहा है। वर्ष 2024 तक पीडीएस के अंतर्गत सभी जिलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण प्रारंभ कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में महिलाओं की सुरक्षा, पोषण और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है। प्रदेश के 51,664 आंगनबाड़ी केंद्रों में 26,00,000 महिलाओं तथा बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना से कुपोषित बच्चों की संख्या में 48% की कमी आई है। योजना अवधि में अब तक 2,11,000 बच्चे कुपोषण से मुक्त हुए हैं। नोनी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 43,000 से अधिक बेटियों को लाभान्वित किया गया है। आंगनबाड़ी और प्राथमिक शाला के समन्वय से 5,000 से अधिक आंगनबाड़ी को बालवाड़ी के रूप में विकसित किया जा रहा है। स्वच्छता अभियान में छत्तीसगढ़ की भागीदारी और सफलता की मिसाल है। हमारे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल को विगत 3 वर्षों से लगातार राष्ट्रीय स्तर पर राज्य स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रथम स्थान मिल रहा है। शहरी सुविधाओं में सुधार की दिशा में हमने शहरी क्षेत्र में 5,000 वर्ग फुट भूखंड के आवासों में ट्रस्ट देन वेरीफाई के सिद्धांत पर सीधे हितग्राहियों को भवन अनुज्ञा प्रदान करने का कार्य प्रारंभ किया है। नागरिकों को मानचित्र ऑनलाइन कंप्यूटर से जांच उपरांत एक क्लिक एवं 1 रुपया में आवेदन शुल्क की अदायगी पर पूरे वैज्ञानिक प्रावधानों के साथ जारी किए जा रहे हैं। शहरों के पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा बनाए रखने के लिए हमने इस वर्ष जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण कुंज योजना शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत सभी 170 नगरीय निकायों में 226 एकड़ क्षेत्र में सांस्कृतिक महत्व के पौधों का रोपण किया जाएगा। आम जनता को घर पहुंच नागरिक सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। मुख्यमंत्री मितान योजना का लाभ 14 नगर निगमों में 5,000 से अधिक लोगों को लाभ मिल चुका है। मोर जमीन मोर मकान मोर चिन्हारी योजनाओं के जरिए हमने झुग्गी वासियों के लिए 1,00,000 से अधिक आवास का निर्माण पूर्ण कर लिया है। अब शहरी किराएदारों को भी मकान उपलब्ध कराने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है। हमने छोटे भूखंडों की खरीदी बिक्री से रोक हटाने का जो फैसला किया था उसके सकारात्मक परिणाम मिले हैं। इससे लगभग 3,55,000 छोटे भूखंड के पंजीयन हुए, जिससे उनके परिवार के आर्थिक गतिविधियां शुरू हुई और अनेक लंबित कार्य संभव होने से परिवारों में खुशियां आई है। हमने जमीनों के गाइडलाइन दरों में 30% की कमी, महिलाओं के पक्ष में रियायत, आवासीय भवनों के पंजीयन में रियायत, पंजीयन हेतु ऑनलाइन अपॉइंटमेंट जैसे अनेक सुधार किए, जिसे कोरोना के बावजूद प्रदेश में स्थायी संपत्ति का क्रय विक्रय बढ़ा और लक्ष्य अधिक राजस्व प्राप्त हुई है। इससे हमारी सरकार के सुधारों के प्रति व्यवहारिक दृष्टि और उसे जन समर्थन मिलने की पुष्टि भी होती है। जनहित के लिए सुधारों के सिलसिले में अनधिकृत विकासों के नियमितीकरण हेतु नया कानून, आवासीय कॉलोनियों के विकास हेतु
एकल खिड़की प्रणाली, सीजी आवास, प्रमुख शहरों के जर्जर भवनों के पुनर्विकासित हेतु योजना, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की विशेष भाड़ा योजना में विधवा, शासकीय कर्मचारी, निगम मंडल के कर्मचारी, शासकीय अर्धशासकीय विभागों के संविदा कर्मचारी, सैनिक, भूतपूर्व सैनिक तथा स्वास्थ्य कर्मी को कुल देय ब्याज की राशि में 10% की छूट का लाभ भी मिलेगा। प्रदेश में उद्योग, व्यापार तथा कारोबार में वृद्धि को कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति तथा राज्य सरकार की सकारात्मक नीतियों का परिणाम माना जाता है। विगत 3.5 वर्षों में छत्तीसगढ़ में 2,230 नई औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हुई है, जिसमें 21,494 करोड़ रुपये तथा पूंजी निवेश हुआ है और लगभग 41,000 लोगों को रोजगार मिला है। खाद्य प्रसंस्करण की 502 इकाइयों में 970 करोड़ रुपये की पूंजी निवेश हुआ है। भारत सरकार द्वारा जारी स्टार्टअप रैंकिंग में छत्तीसगढ़ को स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास तथा 748 स्टार्टअप इकाइयों के पंजीयन हेतु एस्पायरिंग लीडर का सम्मान मिला है। इसके अतिरिक्त विगत 3.5 वर्षों में नए उद्योगों की स्थापना हेतु 177 MOU किए गए हैं, जिसके माध्यम से लगभग 90,000 करोड़ का पूंजी निवेश तथा 1,10,000 लोगों को रोजगार देना प्रस्तावित है। इसमें से 11 इकाइयों में 1,513 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश हुआ है। मुझे विश्वास है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल एवं लिथियम आयन बैटरीज, जूट बैग निर्माण प्रोजेक्ट जैसे नए क्षेत्र को विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज देने का भी लाभ जल्दी मिलेगा। हमने छत्तीसगढ़ी फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए फिल्म सेल का गठन किया है। सिंगल विंडो पैनल सॉफ्टवेयर विकसित किया है, जिसमें निर्माता निर्देशक को समस्त विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया है। मेरा मानना है शासन प्रशासन की सुविधाएं आम जनता को व्यापक पारदर्शिता के साथ मिले तो यह भी न्याय है। हमने सूचना प्रौद्योगिकी आधारित नवाचारों से ऑनलाइन नागरिक सेवाओं पर जोर दिया है, जिसके कारण प्रदेश में ऑनलाइन नागरिक सेवाओं का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या 300% से अधिक बढ़ी है और 98,00,000 से अधिक लोगों ने ऑनलाइन शासकीय सेवाओं का लाभ मिला है। परिवहन से संबंधित सेवाओं का वास्ता अधिकांश लोगों से होता है। हमने लर्निंग लाइसेंस, यात्री वाहनों के पर्यटन आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन की है। वाहनों के पंजीयन एवं चालक लाइसेंस QR कोड आधारित स्मार्ट कार्ड पर जारी किए जा रहे हैं। परिवहन कार्यालय आने जाने से बचत हेतु परिवहन सुविधा केंद्र खोले जा रहे हैं। तुम्हार सरकार तुम्हार द्वार की संकल्पना को साकार करने हेतु RC बुक तथा लाइसेंस की घर पहुंच सेवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से की गई है, जिसके तहत अभी तक 11,41,000 से अधिक दस्तावेज आयोजकों के घर में भेजे जा चुके हैं। अधोसंरचना विकास के लिए हमने परिणाम मूलक नजरिया अपनाया है, जिसके कारण सिंचाई क्षेत्र में बेहतर प्रबंधन से वास्तविक सिंचाई रकबा 10,90,000 हेक्टर से बढ़कर 13,58,000 हेक्टर हो गया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य के 56,00,000 ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से 55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन देने के लिए सितंबर 2023 की समय सीमा तय की गई है और 13,08,000 नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। प्रदेश में 24,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से सड़क, पुल, पुलियों का निर्माण कराया जा रहा है। राज्य के विशेष जरूरतों के अनुरूप मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना में 495 करोड़ की लागत से 735 किलोमीटर सड़कें, NDB लोन के माध्यम से 3,535 करोड़ रुपये की लागत से 869 किलोमीटर सड़कें, आदिवासी बहुल एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 1,637 करोड़ रुपये की लागत से 2,478 किलोमीटर की सड़कें, छत्तीसगढ़ सड़क अधोसंरचना विकास निगम द्वारा 5,000
503 करोड़ रुपए की लागत से 3169 किलोमीटर की सड़कें तथा जवाहर सेतु योजना के माध्यम से 620 करोड़ रुपए की लागत से 94 पुलों का निर्माण कराया जा रहा है। मैंने कहा था प्रदेश में बिजली का उपभोग बढ़ाना हमारी प्राथमिकता होगी, ताकि बिजली हमारे प्रदेश में रोजगार, उद्यमता और जीवन स्तर उन्नयन का माध्यम बने। हमने हाफ बिजली बिल योजना का वादा निभाया, जो अब अपने तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है और इसके अंतर्गत 41 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को 2500 करोड़ रुपए की बचत हो चुकी है। आज मुझे यह कहते हुए खुशी है कि हमने वर्ष 2018-19 की सर्वाधिक मांग 4640 के मुकाबले 5300 मेगावाट का उच्चतम स्तर छुआ है। कुशल प्रबंधन से विद्वान बिजली घरों में उच्चतम उत्पादन हुआ और पारेषण तथा वितरण की बेहतर व्यवस्था में भी सफल हुए हैं। अब छत्तीसगढ़ एक सशक्त विद्युत प्रणाली वाला राज्य बन गया है, जिससे और अधिक सुदृढ़ करने के लिए हमने वर्ष 2025 तक की कार्य योजना बनाकर कार्य प्रारंभ कर दिया है। भाइयों, बहनों और बच्चों, छत्तीसगढ़ की तासीर पर हम सबको गर्व होने के अनेक कारण हैं। एक ओर स्वतंत्रता संग्राम से लेकर देश की एकता और अखंडता की रक्षा के दौरान छत्तीसगढ़ महतारी के वीर सपूतों और सुपुत्रियों के पराक्रम के साथ ही उनकी सत्याग्रह के प्रति अटूट आस्था के दर्शन होते हैं, तो वहीं दूसरी ओर विशाल आदिवासी अंचल भी है जिसने भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया था। भगवान राम की माता कौशल्या की जन्मभूमि का प्रताप भी हमारी धरती में समाया है। इसलिए हम राम वनगमन पर्यटन परिपथ का विकास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ महतारी का चित्र जारी कर उसे समस्त सरकारी कार्यालयों में लगाने का निर्देश दिया है। अपनी माटी का मान बढ़ाने के लिए अक्षय तृतीया के दिन माटी पूजन अभियान की शुरुआत तथा श्रम दिवस के दिन बोरेवासी का सम्मान लौटाने की शुरुआत की गई। हरेली, तीजापोरा, भक्त माता कर्मा जयंती, छेरछेरा पुन्नी, विश्व आदिवासी दिवस, छठ पूजा आदि को लोक पर्व के रूप में स्थापित कर हमने छत्तीसगढ़ी स्वाभिमान को नई ऊंचाई दी है। अब राज्य स्तरीय सम्मानों की सूची में देवदास बंजारे स्मृत पंथी नृत्य पुरस्कार और लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार को भी शामिल किया गया है। हमने विरासत में जो नक्सलवाद की समस्या मिली थी, उसके रोकथाम में मिल रही सफलता वास्तव में लोकतांत्रिक आस्थाओं की जीत है। इस जीत में विश्वास, विकास, सुरक्षा की बड़ी भूमिका है। हमने विगत 3.5 वर्षों में सकारात्मक कदम उठाकर पुलिस और सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाया है। वर्ष 2018 में राज्य में पुलिस बल की संख्या 75,125 थी, जो अब बढ़कर 80,128 हो गई है। बस्तर फाइटर विशेष बल में 2,800 पदों पर स्थानीय युवाओं की भर्ती की जा रही है, जो सुरक्षा बलों को नई शक्ति प्रदान करेंगे। हमारे प्रशासन और आपदा मोचन बल की कुशलता और सक्षमता का प्रमाण जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पीरीद में खुले बोरवेल में गिरे एक बच्चे को बचाव और बाढ़ में फंसे 68 लोगों को सुरक्षित बचाने के दौरान भी दिखा है। लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की क्षमता वृद्धि से जन अपेक्षाओं की पूर्ति व विकास कार्यों का सीधा रिश्ता होता है। इसलिए हमने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं, नगरीय निकायों के पदाधिकारियों के मानदेय, वित्तीय अधिकारों में वृद्धि की है। साथ ही विधानसभा सदस्यों का वेतन और वित्तीय अधिकार भी हमने बढ़ाया है। मैं चाहूँगा कि समस्त जनप्रतिनिधि अधिक सक्रियता के साथ जन समस्याओं के निराकरण और प्रदेश की प्रगति में अपनी भागीदारी निभाएं। आपसी विकास, आपसी विश्वास, समन्वय, सद्भाव, एकता और समझदारी के बदौलत हम भावी चुनौतियों का मुकाबला भी पूरी क्षमता के साथ करेंगे। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ से फिर एक नया सफर शुरू होगा, जो न्याय की हमारी विरासत के साथ आगे बढ़ेगा और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का लक्ष्य पूरा करेगा। मुझे विश्वास है आपका सहयोग और आशीर्वाद बना रहेगा। स्वतंत्रता जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। जय हिंद।
जय हिंद जय हिंद।